एक वो भी जमाना था, लाल वर्दी, गोरी चमड़ी और काली नीयत वाले अंग्रेज बड़े गुरूर से कहते थे, सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश राज में सूरज कभी डूबता नहीं। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी धनुर्धारी अर्जुन और वीर परशुराम के वंशज जिद्दी जुनूनी स्वाभिमानी मां भारती की आजादी का प्रण ले लिया तो ले लिया, जो सूरज ढलता नहीं था उसे नोच के फेंक दिया। डूब गई ब्रिटिश एम्पायर, लहरा दिया तिरंगा लाल किले पर, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और ये झंडा ऊंचा क्यों हुआ ये भी जान लीजिए। जितनी बार ब्रिटिश राज ने हमारे जांबाजों की गर्दन पे तलवार की धार रखी, एक ही जवाब सुनने को मिला, जहां आंख में होगा पानी, जहां जुल्म के मौसम होंगे, बारूद लिए सीने में मौजूद वहां हम होंगे, बाजू भी बहुत हैं, सर भी कटने से कहां कम होंगे। जा
सारे जवानों ने सरहद पर हमारे लिए अपनी जान दे दी थी। वैसे आज एक ऐसे ही शहीद सिपाही का परिवार यहां हमारे साथ आया है। आइए आपको उनके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम नम्रता कुमारी है और मेरे पति का नाम शहीद कुंदन कुमार ओझा। 18 फरवरी 2018 को हमारी शादी हुई है। हमारी शादी के बाद कुंदन जी हमारे साथ 1 महीने 4 दिन वो साथ में थे। हमारी शादी 2 साल हुई थी, नहीं बोल पाऊंगी। आसमां में कितने परिंदे या मुसाफिर या है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान। हमारी शादी 2 साल हुई थी, 2 साल में वो 4 बार घर आए हुए थे, लेकिन इस बार वो इसलिए 1 महीने की छुट्टी आए हुए थे क्योंकि मेरी बाबू 5.5 महीने की पेट में थी। वो 16 फरवरी को गए और 21 मार्च को लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन की वजह से वो वापस नहीं आ पाए। पर कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा भर गया लग ही पोड़ा। 2018 में ही नवंबर में लेह लद्दाख उनकी पोस्टिंग हुई थी। चीनी सेना से मुठभेड़ की उन्होंने 5 बंदे को मारते मारते शहीद हुए हैं। उड़ा तेरी खातिर वो और का नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। मेरी बात उनसे लास्ट बात बढ़िया से 17 मई को हुई। उसके बाद से 17 जून को सीधा खबर आई कि मेरे पति देश के लिए शहीद हो गए। भारत सलाम। मेरी बच्ची 15 दिन की थी जब मेरे हस्बैंड देश के लिए शहीद हो गए। आज भी मुझे लगता है कि वो देश के लिए शहीद नहीं हुए, कहीं ना कहीं जरूर है। आज भी मुझे लगता है कि वो ड्यूटी पे ही है, कभी ना कभी जरूर वापस आएंगे। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक ना तो उनका फोन आया, ना ही उनका कोई मैसेज आया, ना ही वो कभी लौट के आए। जाते जाते वो मुझे इतना दे के गए हैं कि कुंदन जी के नाम से मुझे सब पहचानते हैं, सब जानते हैं। इस चीज का मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मैम, आप पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं। मेरे ख्याल से हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप पर क्या बीती है। मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने मेरी बाबू का
चेहरा तक नहीं देख पाया और ना ही उसकी रोने का आवाज भी सुन पाया। उन्होंने सबको बताया था, मेरे घर वाले को, कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और अपने माँ के हाथ का बना हुआ लड्डू खाऊंगा, लेकिन उन्होंने 5 चीनी सैनिकों के मारते मारते देश के लिए शहीद हो गए। बड़ी कुर्बानी होती है और इनकी इतनी बड़ी कुर्बानी की वजह से हम सुरक्षित रह पाते हैं। देश ने एक सिपाही खोया, लेकिन इनकी तो सारी दुनिया लूट जाती है। इनका जीवन, इसका बचपन, तो किस, मतलब किस लेवल का सैक्रिफाइस है ये, ये सोचकर दिल दहल उठता है। बिल्कुल, ये जो आपके जो पति शहीद हुए हैं देश के लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना बड़ा जो उनका कर्म, अच्छा कर्म है, वो आपकी बेटी को लगेगा और उसका जीवन बहुत सुखमय होगा, मेरा ये ऐसा मानना है जी। हिम्मत रखिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी। मैं आज इस मंच पर ये कहना चाहूंगा, कतरा भी नहीं मेरी आंखों में, पर अंदर से मैं सावन हूँ, रोने की इजाजत नहीं मुझे, मैं एक फौजी की दुल्हन हूँ। मैम, मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ कि आप अब भी हिम्मत नहीं हारी हैं, आप अब भी काम कर रही हैं, अपनी बच्ची का ख्याल रख रही हैं। मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है और वो आपकी बच्ची से थोड़ी सी छोटी है। दीक्षा बहुत ही प्यारी है और थैंक यू। मैं यही चाहता हूँ कि दीक्षा जो है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, वो जो बनना चाहे वो बन सके, और इसीलिए उनको जो भी पढ़ाई वढ़ाई के खर्चे हैं, आप मेरी तरफ से उसे एक छोटी सी भेंट समझिएगा अपने लिए। थैंक यू। आदि भैया, आपने जो आज किया है दीक्षा के लिए, मतलब वो बाकाबिले तारीफ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदि भैया के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।